गांधी जी देश के भावी प्रधानमंत्री को अभी अभी सूचना मिली कि देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा गुजरात कोर्ट ने दिया है, तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा ये समस्या हमारे परे है। देश में अब आग लगेगा, कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरेगी और मैं कहना चाहता हूं किसी कीमत पर ये निर्णय हम लोगों को नहीं मानेंगे। हम लोग आज भाजपा के लोग डर गए, राहुल गांधी जी ने जो रैली निकाला, जो पदयात्रा निकाला, भाजपा को लगा कि नहीं अब तो देश का मिजाज बदल गया है, उसके डर से राहुल जी की सस्ता इन लोगों ने खा लिया है, उससे हम लोग डरने वाले नहीं है और निश्चित तौर पर मुझे यकीन है हम लोग ऊपर कोर्ट भी जाएंगे, वहां उनको न्याय मिलेगा और ये साफ हो गया, ये साफ इंडिकेशन है कि भाजपा के खिलाफ यदि कुछ बोलिएगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। तो आज झारखंड के सदन से हम लोगों ने बहिष्कार किया है और जब तक राहुल गांधी जी को इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग बाध्य कर देंगे और सड़क से लेकर सदन तक हम लोग घेराव करने का काम करेंगे। ये फैसला तो कोर्ट का है ना इरफान भाई, अपने ही जाल में गिर गए। जिस बिल को लाना था यूपीए 2 की सरकार में, यूपीए 1 की सरकार में, वो बिल उन्होंने ही पढ़ा था इस मामले को लेकर। नहीं देखिए, दुर्भाग्य तो है आप जो बात बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी बात हम लोग सभी लोग चिंतित हैं और जो एक्ट बना है 2 साल का उस पर पूर्ण विचार होना चाहिए। मैं कहूंगा ये एक्ट सही में नहीं है, ये विधायकों के हित में नहीं है, ये सांसदों के हित में नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जो वर्डिक्ट आया है उससे हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं। केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं, झारखंड की एक एक जनता इस निर्णय से नाखुश है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।